हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी बड़ी चर्चा होती है। सब सरकारों का मूल्यांकन हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ गया है और इंश्योरेंस कंपनी भी हेल्थ के माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाने में लगी रहती है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस को मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन इस देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को, गरीब से गरीब को हेल्थ एश्योरेंस चाहिए। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं चलेगा, हमें हेल्थ एश्योरेंस चाहिए। कितना ही गरीब कोई इंसान क्यों ना हो, वो डॉक्टर के बिना, दवाई के बिना अपने जीवन में मृत्यु को प्राप्त करें, ये स्थिति कभी मंजूर नहीं हो सकती। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी चैलेंजेज हमारे सामने हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आज हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, नर्सिंग कॉलेजेज हैं, उसमें जो मैन पावर तैयार हो रहा है, अगर उस गति से हम आगे बढ़ेंगे तो शायद किसी पेशेंट को, डॉक्टर को ढूंढना होगा तो दो दो चार चार महीने के समय के पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिले, तब तक उसका क्या है। हमें मेडिकल कॉलेजेस की जाल बिछानी पड़ेगी, हमने नई पीढ़ी के डॉक्टरों को तैयार करना होगा, और उसमें भी अब समय रहते बदलाव की जरूरत मैं देख रहा हूं। आज हर एक के पास मोबाइल फोन है, दुनिया के कई देश हैं जिन्होंने हेल्थ केयर के लिए मोबाइल फोन को एक ताकतवर रूप में, इंस्ट्रूमेंट के लिए डेवलप किया है। आपका मोबाइल फोन आपका हेल्थ का भी इंडिकेटर बन सकता है, बहुत तेजी से इसका, और हिंदुस्तान मोबाइल फोन का जो कारोबार हिंदुस्तान में वो सबसे ज्यादा है। हम टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। गांव में जो डॉक्टर है, जो रोजमर्रा की बीमारियों से जिसका नाता रहता है, पुराने जमाने में वैद्यराज उस काम को कर लेते थे, क्यों ना हम 3 साल के कोर्सेज डेवलप करें और उनको मेडिकल प्रैक्टिस के लिए कोई इजाजत दें। इतनी चीजों को आप कर सकते हो। जब तक हम हिंदुस्तान के गरीबों के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित नहीं करते, तब तक सामान्य मानवीय को सोच नहीं।